Guys, क्या आपको पता है कि लास्ट ईयर एमपी में एक 28 ईयर ईयर की डेथ हो गई थी आफ्टर हिज हिज पावर पावर बैंक बैंक नॉट मोबाइल फोन ब्लास्टेड वेल बात ये है कि हम लोग भी पावर बैंक्स को खरीदने से पहले ज्यादा सोचते नहीं और ज्यादा सीरियसली नहीं लेते कि भाई पावर बैंक हैं चार्ज ही तो, है, तो करना है बट रियलिटी ये है कि मार्केट में इस समय इतने फेक और फॉल्टी पावर बैंक आ रहे हैं कि आपकी डिवाइसेस परमानेंटली डैमेज हो सकती है और आपको भी डैमेज हो सकता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पांच ऐसे पॉइंट जो आपको कंसिडर करने चाहिए एक पावर बैंक खरीद से पहले बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट नोकिया के फोन का जमाना नहीं है कि चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे गैजेट्स और डिवाइसिस सबसे पहले आता है साइज नाउ आपको पावर बैंक क्या चार्ज करने के लिए चाहिए ये जान लेना बहुत जरूरी है बिकॉज पावर बैंक का साइज जो है वो डिपेंड करता है हाउ बिग इट्स बैटरी इज तो मतलब जितना बड़ा पावर बैंक होगा उतनी बड़ी बैटरी होगी और उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस आपको मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 50,000 थाउजेंड का पावर बैंक सिर्फ अपना फोन चार्ज करने के लिए तो वो एक वेस्ट ऑफ मनी है और फालतू में आप इतना हैवी पावर बैंक उठा के घूमेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है तो आपका जो पावर बैंक होता है वो एटलीस्ट वन पॉइंट फाइव टाइम्स कैपेसिटी होना चाहिए आपके गैजेट के दस हजार का पावर बैंक है वो आपके 2500 एमएएच के फोन को चार बार नहीं चार्ज कर पाएगा वो ज्यादा से ज्यादा दो या ढाई चार्जेस चला लेगा तो अगर आपको टैबलेट प्रो किंडल रीडर या ब्लूटूथ हेडसेट जैसी डिवाइसेस चार्ज करनी है तो मेक श्योर यू गो फॉर bigger पावर बैंक कोई फायदा नहीं है गाइस पैसे बचाने के चक्कर में आप चीप पावर बैंक को खरीदें बिकॉज वो ना सिर्फ आपके फोन को उसकी बैटरी को अंदर से डैमेज कर देगा और ये आपके डिवाइसेस की इंटरनल फंक्शनिंग और चार्जिंग फंक्शन को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इतना ही नहीं इससे बैटरी डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम हो सकती है सो डेफिनेटली गो फॉर ब्रांडेड वन ओनली आजकल मैं आपको बता देती हूँ मार्केट में जो अच्छे चल रहे हैं अदे बाय एम्ब्रेन शाउमी का भी अच्छा आता है दैट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो एंड फिलिप्स का भी नाउ वन मोर थिंग मेक श्योर की आप उन बैटरीज के साथ जाएं जो लिथियम पॉलीमर एनेबल्ड हो क्यों क्योंकि आजकल के फोन में जैसे लिथियम बैटरीज आती हैं, ये सेफ होती हैं। इसमें लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता लाइट वेट होती है और उसके जो कॉम्पोनेट होते हैं वो स्टेबल होते हैं थोड़ा सा महंगा है बट नो हार्म एम गोइंग फॉर अ सेफर ऑप्शन फास्ट आउटपुट वाला पावर बैंक लेना बहुत जरूरी है ना उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि एम्पियर काउंट क्या होता है ना एम्पियर जो है वो करंट को मेजर करने का एक यूनिट है तो ये एम्पियर काउंट का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही फास्ट आपका पावर बैंक आपकी डिवाइसेज को चार्ज करेगा और जितना कम होगा उतना ही स्लो चार्जिंग होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं जिसकी चार्जिंग के लिए टू पॉइंट वन एमपीस चाहिए तो क्या पावर बैंक उतना ही दे रहा है या उससे ज्यादा करंट पास कर रहा है जो अल्टीमेटली लीक हो जाएगा तो आपके डिवाइस को भी उतना करंट होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए सेकेंड चीज जो चार्जिंग से रिलेटेड है कि इसमें फास्ट चार्जिंग है या नहीं डेफिनेटली लुक फॉर टू पॉइंट फोर ए फाइव ए और दैट कम विद्यू सिंपल और लास्ट बट नॉट द आपके पावर बैंक में मल्टीपल पोर्ट्स होने चाहिए ताकि मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज हो सके एक साथ में जैसे स्मार्टफोन टैबलेट्स कैमरा जिससे आपका टाइम सेव हो कुछ पावर बैंक आते हैं यूएसपी चार्जिंग केबल्स के साथ भी विच कैन बी फोल्डेड एंड स्टोर्ड और इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं सो ऑन अ पर्सनल नोट पावर बैंक आप एक ही बार खरीदते हैं बहुत सालों के अंदर जो आप चाहते हैं कि काफी टाइम चले अनलेस उसकी ऑफकोर्स बैटरी ना खराब हो जाए या वो गिर ना जाए या डैमेज ना हो जाए तो मेन जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि यू मस्ट इन्वेस्ट प्रॉपरली इन बाइंग अ पावर बैंक और अपनी रिसर्च करके जाइए और आई होप कि मैंने ये जो आपको पांच पॉइंट्स बताए हैं ये आपको हेल्प करेंगे अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए एंड यू विल बी एबल टू मेक द राइट चॉइस और बाकी गाइज आपको पता है कि टेक के लिए कहां पर जाना है गैजेट टाइम सो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिए एंड डू सपोर्ट अस होल हार्टेडली गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग